हाँ तो 2018 में हमारे ये सपनों का महल को जो है हमने रिजर्व कर लिया था। कुछ दिखाते हाँ मैडम, नया जी लग गया, आइए काम 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 ये। हैं आप लोग को। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज है सप्तमी और आप सबको हैप्पी सप्तमी। और हमारी पूजा हो, जैसे कि हमारी पूजा पूरी हो गई है सुबह सुबह ही। और अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं अभी, 8:30 होने वाला है। और अभी हम लोग आज जल्दी इसलिए पूजा किए क्योंकि अर्ली मॉर्निंग से उठे, सारा घर क्लीन, क्योंकि आज जगरना भी होता है हमारे इधर, तो पूरा क्लीनिंग वगैरह किए, सब कुछ किए, उसके बाद पूजा किए। क्योंकि हमारा 8 बजे अपॉइंटमेंट था कि घर में कुछ काम होने वाला है, वो मैं आपको दिखाऊंगी जरूर, लेकिन काम एक बार हो जाए उसके बाद। अभी ऊपर काम हो रहा है तो आज है जगरना, आज बहुत कुछ होने वाला है हमारे इधर जगरना में। स्पेशल मतलब दुर्गा जी को जैसे होता है ना, पंडाल खुलने से पहले जगाया जाता है, जगरना होता है दुर्गा जी का, तो इसे ही हमारे इधर भी जगरना होता है और सप्तमी को होता है। इस दिन हम लोग क्या करते हैं, चावल को भिंगो के तो उसको पीस के ग्राइंड करके और चावल सिंदूर पूरे घर में चावल को छिड़कते हैं, और वो क्लीनिंग उसका दिवाली होता है, बेसिकली है दिवाली में उसका क्लीनिंग होता है। तो आज वही जगरना है, तो आज बहुत सारा काम है, तो सोचे हम वीडियो का स्टार्टिंग अभी से कर देते हैं। और कितना शेयर कर पाएंगे, क्या क्या शेयर करेंगे देखते हैं। और दूसरी बात आप लोग के साथ शेयर करना था, आज ही के वो दिन है, आज ही वो दिन है जब हम ये घर देख रहे हैं, ये घर हम बुक किए थे सतमी 2018 में, आज हम बुक किए थे। हाँ तो दो हम हजार अठारह में हमारे ये सपनों का महल को जो है हमने रिजर्व कर लिया था। 2018 में मतलब बात चालू हो गया था, और यही नवरात्रा के बीच में ही हम लोग बुक कर हाँ, लिए थे। माँ तो अम्बे का नाम लेके हम लोग जो है ना इस प्रोजेक्ट में आगे हम लोग बढ़ गए थे। हाँ, बस लग रहा था कि जाएं कि नहीं जाएं, लेकिन बढ़ गए थे और फाइनली हो गया। तो मतलब नवरात्रा जो है ना, ये हमारा शुभ दिन है बाबा। और हमारे इधर जगरना में शाम में होता है नॉर्मल जो हम लोग खाते हैं वो बनता है, और उसके ऊपर चूल्हा पूजन होता है। 4 नवंबर को दिवाली है, दशहरा अब खत्म होने वाला है, अब दिवाली का भी क्लीनिंग स्टार्ट होगा। और दिवाली और दशहरा के बीच मेरे पति ने कुछ कुछ हमारे लिए किए हैं, वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और आज हम लोग को जाना है एक जगह और, शॉप जाना है कुछ लाने के लिए। इनका मन ना, लास्ट जो वीडियो गया था वो शॉपिंग वाला, जिसमें हम लोग कुछ बुक करके आए थे, तो वहां पे टेबल वगैरह कुछ देखे थे, तो उनको बहुत पसंद आया, तो बोलते लेके आएंगे चलो। तो आज वो भी लाना है, तो आज बहुत कुछ है जो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, और अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। ये ऊपर काम हमारा हो गया, और दिखाते हैं कि क्या आया, क्या लगा है, क्या जी वो और ये नया चीज लग गया है। देख रहे हैं क्या जी, लग जलबा लग गया ना। ये देखिए, पूरे 1 साल के बाद आखिरकार फूल लग गया। और ये जो देख रहे हैं ना बीच में, ये डिजाइन, ये थोड़ा प्लेन भी मिल रहा था लेकिन हमको चाहिए था थोड़ा सा डिजाइन, तो ये डिजाइन वाला हम पूरा लिए क्योंकि हमको बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे जो है, ये जो है देख रहे हैं ना, ये क्रोम जो है ना, यहाँ प्लास्टिक दे रहा था, ये भी प्लास्टिक दे रहा था ये, लेकिन हम सब क्रोम लिए हैं, ये भी क्रोम लिए है, इसका हैंडल हम दूसरा जैसा लिए हैं, और थोड़ा इधर से सारा क्रोम करवाए क्योंकि प्लास्टिक जो ओल्ड हाउस में था ना, यहाँ पे प्लास्टिक था वो बहुत खराब होता था, इसीलिए हम सब कुछ। और ऊपर जो हैंगिंग है वो भी हमारा क्रोम का ही है, ये देख रहे हैं, ये पूरा मस्त। और इधर भी डिजाइन है, अलग पैसा लगा है। हाँ। फिर आपको जो क्रोम है, जितना क्रोम लगाया था, क्रोम का अलग पैसा लगा है, ये डिजाइन का अलग पैसा लगा है। हाँ, डिजाइन इस पे प्लेन था लेकिन इस पे हम लोग डिजाइन वाला लिए, तो इसका अलग कॉस्ट लगा है। और जो आदमी आया था लगाने, वो ऊपर लेके आया खुद से, तो उसका भी अलग कॉस्ट था ऊपर चढ़ाने का। अभी बोला है छूने नहीं, तो हम लोग छू भी नहीं रहे हैं, ये भी नहीं छू रहे हैं 24 आवर तक। अभी देख रहे हैं साठ के गया है बाबा, कुछ नहीं करने का। और डोर देखिए, तो डोर बंद कीजिए, तो डोर बंद करके देखे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जगह स्पेस तो बहुत है, बहुत है। खुलेगा तब
और ये देखिए ये वाला एरिया फिर हमारा यहाँ पे डेकोरेशन के लिए बन गया। ये हाँ लगने के बाद बड़ा लग रहा था छोटा, लेकिन अब सुंदर हो गया। अब बस ये एरिया बस देख रहे हैं, ये थोड़ा सा अभी काम बाकी है। हाँ इसको हम लोग करने वाले हैं, इसको उसको सोच रहे हैं, अभी देख रहे हैं क्या करेंगे। तो ये वाला एरिया को कुछ तो करना है, क्योंकि ये खाली खाली थोड़ा सा लग रहा है, ये अच्छा नहीं दिखेगा। इसको भी हम लोग सोच रहे हैं कुछ करने का। तो कैसा लग रहा है? यही था। हाँ जी बताइए। बहुत सुंदर लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना जिद करके हम ही लगवाए हैं। पता है क्या हो रहा था? मैं खिड़की खराब हो रहा था। साल भर हो गया, उसके बाद हम लोग के पास ना कुछ पैसे हुए कि इसको लगाए पाए। बाबा बहुत कॉस्टली है ये, लेकिन फाइनली देर आए दुरुस्त आए, लग चुका है। एक साल लग गया, लेकिन क्या ना ये सब इतना कॉस्टली होता है ना कि सोचना पड़ता है कि करें अब करें कब करें, लेकिन फाइनली हो गया। तो हमारे घर में एक चीज नया हुआ है दुर्गा पूजा और दिवाली के बीच, मतलब एक ये नया है, एक चीज और होगा वो आप लोग को दिखाएंगे, एक और होगा वो दिवाली के बाद होगा मे बी। ये बेचारे खो गए हैं। कहाँ खो गए हैं? अकेले कैसे ये सब काम कर रही है, हमको समझ नहीं आ रहा। दुआ में तो चाहिए ना पकड़ने वाला। ये परेशान है तब से, वो अकेले बंदा कैसे कर लिया? बाबा एक्सपर्ट था, देखिए कितना सारा सामान लेके आया, लेकिन अकेले कर लिया। सिंगल बंदा आया था और एक घंटे में करके वो चला गया, मतलब 8 बजे वो आया और 9:10 में काम हो गया उसका। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम गुड नहीं है बाबा, ये ऐसा जगह ले जा रहे हैं ना जो कुछ सामान है काल सुरोही में नहीं मिला। हम लोग एक स्पेशल जगह जा रहे हैं, वहाँ पहुँच के दिखाएंगे। माँ अम्बे, हे माँ अम्बे कुछ सद्बुद्धि दो कि जरा कुछ सेविंग हो। पूजा की है, थोड़ा सा कुछ खाए हैं, अब निकले हैं। भैया हम तो कुछ नहीं खाए, प्रसाद खाए हैं। हम भी प्रसाद ही खाए, तो बोले कुछ खाए हैं तो प्रसाद खाए बाबा। अच्छा प्रसाद खा के निकल रहे हैं, समझे ना। क्या बताएं, क्या बताएं, कुछ नहीं बोल सकते। गला उला भी बैठ गया, डांस किए हैं लग रहा है, गला से किए हैं क्या, गला जैसा बैठा बैठा लग रहा है। उनसे रूट से जाना, देखिए तो 5 नंबर है। तो चलिए हम लोग, और क्या था ना, हम लोग गए थे यहाँ पे कालत्रुए वाले XXL, यहाँ पे जो XXL उसमें गए थे। तो कल जब वीडियो बना रहे थे ना, तो हम लोग को बहुत पसंद आ गया वो चीज, बोले ले ही लेते हैं, दिवाली में ऐसे ही लेना ही था। तो हम लोग सोचे दुर्गा पूजा और दिवाली के बीच ही ले लेते हैं, क्योंकि ये मिल नहीं रहा है सब जगह, और ऑर्डर करने पे 2-3 महीने लगा रहा, तो दिवाली पार हो जाएगा ना। प्लीज फर्स्ट एग्जिट, समझ गए ना, तुमको लूटने के लिए एक नया मार्केट जो है ना इसको मिल गया है। वो हम लोग 50 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, 50 किलोमीटर दूर सोचिए। yes. और वो लिए क्या? चलिए हम लोग आ गए हैं घर, और आने के बाद थोड़ा सा आराम किए हैं और खाना पीना बनाया, क्योंकि शाम हो गया, आरती करने जा रहे हैं। और ये आए हैं सोए हैं, और ये देखिए ये आ गया है, लगने के बाद दिखाते हैं। बहुत भी है बाबा, बहुत है भी है। इसका वेट है कितना? 35 है ना, 35 kg है इस टेबल का। और क्या है वो दिखाते हैं खुलने के बाद। क्या ये? बहुत भारी मैडम। खुला है? खुलता है। बहुत भारी, रुकिए हम हेल्प करते हैं।
ये देखिए, ये देखिए, ये जो है स्मिता मैडम का नया शानदार जानदार दूधिया कलर का जो है टेबल दिख रहा होगा आपको, और इसका प्राइस जो है ना रियल में आराम कुछ 580 है, लेकिन 40% अभी ऑफ चल रहा था तो हम भी दी 325 का पड़ा है अभी, ठीक है। हाँ, तो जिन जिनको ये टेबल जो है ना अच्छा लगा है तो उनके लिए जानकारी है कि ये मार्बल है, ठीक है, प्योर मार्बल है, 35 kg जो है ना सब वेट है, और हमारा जो है घर का जो भी रंग रूप है उसके हिसाब से ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, सोफा के सेट हो रहा है, सोफा कारपेट सब से पूरा एम्बियंट में ना पूरा सूट कर गया है ये टेबल ना, ठीक है, देख रहे हैं ब्लैक है व्हाइट है सारा कॉम्बिनेशन, और राउंड लेने से ना एक अच्छा हुआ, स्पेस मस्त बन गया, पहले की तुलना में स्पेस अच्छा है, और हम लोग वहां एक और टेबल देखे थे गोल्डन कलर का, तो गोल्डन से ज्यादा अच्छा ये खिल रहा था, तो हम तीनों ने ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में ये डिसीजन लिया, ऋषित ने भी फाइनल बोला यही लेगा, बोले चलो बेटा यही ले लिया। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? ये रहा सॉलिड मार्बल बाबा, इसी का वेट बहुत ज्यादा है, मतलब इसको हटाने के लिए कारपेट पे तो हम मूव कर सकते हैं, ये हो जाएगा, लेकिन उधर नहीं कर सकते हैं, हेल्प चाहिए। ये बहुत अच्छा लगा, और प्राइस अभी 40% डिस्काउंट चल रहा है सब कुछ पे, तो ये बहुत अच्छा है, खुद से जाके हम लोग लेके आए हैं, अभी कालसरुहे वाला में नहीं था, मानहाइम में नहीं था, हाइलब्रोनेन में था, वहां जाके लिया, लेकिन हाइलब्रोनेन का ट्रिपल एक्सल बहुत अच्छा लगा, मतलब कालसरुहे वाला तो हमेशा जाते थे, वो अलग लगा, लगा ही नहीं कि हम ना मान मोबिलिया में घूम रहे हैं, तो ये लुक भी अच्छा है, क्लीनिंग पर्पस से बहुत अच्छा है, मीन हमको क्लीनिंग पर्पस से लेना था, यहाँ अच्छे से क्लीन करे, और साइन कर रहा है, देख सकते हैं साइन भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो अब हम लोग चल रहे हैं अपने गार्डन में, आज है लौकी तोड़िंग डे, लौकी टूटेगा आज, स्मिता मैडम का खुशी का ठिकाना नहीं रह गया है, आज लौकी जो है ना बड़ा हो गया है, और सप्तमी के दिन इसका जो है ना था कि तोड़ेंगे, तो हम आपको दिखाते हैं कैमरा पलटू करके चल दिए, देखिए लौकी की ओर, लौकी मास्टर, अब ठंडा आ रहा, लौकी मास्टर आप फाइनली लौकी कर दिए हैं, अब ठंडा आ रहा, बोला बेचारे हमको छोड़ दो, दिखाइए लौकी, ये निकलेगा, उड़ी बाबा, ये देखिए उड़ी बाबा, उड़ी बाबा, अरे गजब घनघोर लौकी किए हैं, उसके बाद ये निकलेगा तब, हां ये दूसरा नंबर में ना, हां उसके बाद फिर तीसरा ये निकलेगा, ये भी थोड़ा छोटा है, हाँ निकल जाएगा ना, चलिए टूट जा हमरे लौकी, अरे भाई साहब मजा आ गया, तेरा गार्डन का लौकी बहुत मेहनत किए जानू आप इसके लिए, फल मिल रहा है आपको, हम ना बिलीव नहीं किए थे कि निकलेगा बाबा, जय हो अम्बे माता की, तो आज सप्तमी संध्या बेला का पूजा हो गया है, अब हमारी स्मिता मैडम जो है ना वो पूरे घर में जो है पहले माता रानी का जगरना कर रहे हैं, ये देखिए ये जो है चावल से चौरट बना है इसे जगाएंगे, ये सिंदूर है और चौरट है, माता रानी का जगरना करते हैं, उसके बाद फिर अपना सिंदूर करेंगे, उसके बाद फिर चूल्हा का पूजन होगा, उसके बाद पूरे घर में जगा देंगे कि माता रानी जागते रहिए, जागते रहिए हमेशा हमारे घर में जो है ना बने रहिए, है ना, तो चलिए आज का वीडियो बस, क्योंकि ये वाला जो सप्तमी ब्लॉग है वो हम लास्ट ईयर डाले थे, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, तो क्या प्रोसेस मैडम करते हैं, करते हैं ना? तो इस बार हम उतना लंबा नहीं कर रहे क्योंकि दिन भर आज ना भागा दौड़ी चला है, बहुत काम हुआ है, तो चलिए वीडियो को अब यही एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे फिर नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में नेक्स्ट टाइम, तो सी यू, बाय।